अमृता आइए आइए बहन जी। तू यहाँ पे? हम लोग मंदिर जा रहे हैं तेरे लिए। क्यों बाबा, मैं अपने परिवार से मिलने नहीं आ सकती? नहीं बेटा, कर तो तेरा ही है, पर आज तो तेरी फाइनल रेस है, तो तेरे को तो ग्राउंड में होना चाहिए ना। क्या बात है दुर्गा, आप ठीक तो है ना? ये आपके हाथ में चोट कैसे आई मम्मी जी? हमारी चोट के बारे में छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आप रेस छोड़कर यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मन्ने तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ जवाब तो देख के बात है, कुछ तो बता दे। पापा मैं ये तक नहीं जानती कि मुझे रेस में दौड़ना चाहिए या नहीं, इसलिए मैं आ गई। क्या ये तू कैसी बात कर रही है बेटा? अरे तेरा तो जन्म ही दौड़ने के लिए हुआ है। हम सब लोग तो इस उम्मीद से बैठे थे कि तू सेलेक्टर्स के सामने दौड़ेगी और जीतेगी तो ऐसे टीएफ में भारत की तरफ से दौड़ेगी। देख बेटा, तेरे को अपने देश का नाम रोशन करना है, ये तू के उलझुल बोल रही है तू? के हुआ? क्या बात है दुर्गा बेटा, बताइए हमें, बोलिए क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ मम्मी जी। दुर्गा तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। वहां एकेडमी में सुबह से रेस की तैयारियां शुरू हो गई होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रेस दौड़ूं या जब तक घर में इस बच्चे के लिए रेस को भूल जाऊं। नहीं दुर्गा, इस वक्त तुम्हारे रेस से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। भूल जाओ ये सब और एकेडमी लौट जाओ इसी वक्त। आप लोग सब चुप क्यों हैं? अरे समझाइए दुर्गा को, उसकी रेस से बढ़कर और कुछ नहीं, उसे वापस लौट जाना चाहिए। इस वक्त उसका रेस दौड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके अलावा और कुछ जरूरी है ही नहीं। माँ आप तो कुछ कहिए।
बेटा, हम भी तो एक औरत है और एक माँ भी है, फिर हम अपनी बहू से कैसे कह दे कि वो अपने बच्चे को भूल जाए और रेस में जाकर दौड़े। बाबा आप समझाइए दुर्गा को। मैंने आज तक हर बुरे वक्त में हर रेस से पहले दुर्गा को एक ही बात बोल ली है कि किसी की परवाह मत कर, दौड़, जान लगा के दौड़। हर इस बार मैं उसको क्या बोलूं, मन ने भी पता नहीं कुछ। ये फैसला तो इसको करना है। माँ का अधिकार है भाई, मैं नहीं आ सकता इसके बीच, मैं नहीं आ सकता इसके बीच में। बाबा, और दुर्गा के सपने का क्या? दुर्गा आज जहां खड़ी है, जिंदगी भर से उसकी तैयारियां कर रही है, मेहनत कर रही है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का अगर वक्त आया तो दुर्गा पीछे नहीं हट सकती। ठीक है, एक पति होने के नाते बच्चे का डिसीजन सिर्फ दुर्गा का नहीं, उतना हक मेरा भी है जितना दुर्गा का। इसलिए मैं कह रहा हूं दुर्गा को एकेडमी मैं खुद छोड़ कर आऊंगा। दुर्गा ये रेस दौड़ेगी। अपने सपने को मत छोड़ो दुर्गा। दुर्गा, तुम ये रेस दौड़ोगी। आरती, अब फिर से कोई चाल चलने तो नहीं आई ना यहाँ पर? नहीं आंटी, कोई चाल नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं दुर्गा को इंटरनेशनल रेस के सिलेक्शन के लिए लेने आई हूँ। क्या फर्क पड़ता है कि मैं दौड़ू या ना दौड़ू? मैं समझ सकती हूँ दुर्गा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें हराने में लगा दी, तुम्हें रोकने में लगा दी, कि मैं अपनी रेस पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाई। तुम्हें तो नहीं गिरा पाई, लेकिन मैं अपनी नजरों में बहुत नीचे गिर गई दुर्गा। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो मैंने कभी नहीं किया। हाँ दुर्गा, मैं आज तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम जीतो, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। शायद ऐसा करके मैं अपने आप को माफ कर पाऊँ। देखो, शायद तुम्हारा ये प्रायश्चित सच्चा होगा,
पर अब बहुत देर हो चुकी है, मैं स्टेज पर नहीं दौड़ सकती। क्योंकि तुम्हें लगता है तुम प्रेग्नेंट हो, है ना? नहीं दुर्गा, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं। नहीं दुर्गा, ये सब मेरे पापा की चाल है, एक और नया झूठ तुम्हें हराने के लिए। कैसे हो सकता है? मैंने वो प्रेगनेंसी टेस्ट खुद किया था, देखा था मैंने। तुम्हें पूरी बात अब तक नहीं पता दुर्गा। तन्वी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो किसी भी तरह दुर्गा को इंटरनेशनल रेस की क्वालिफाइंग से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन दुर्गा बहुत होशियार थी और तन्वी की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही थी। तन्वी, अगर दुर्गा को एकेडमी से बाहर करना है तो पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर अटैक करना होगा, और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दिल है, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी उसका दिल ही है। इस बार मैं उसके दिल को निशाना बनाऊंगा, उसे अंदर से मरना होगा, उसके इमोशंस ही उसके पांव की जंजीर बनेंगे। लेकिन तन्वी, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। पापा को लगा कि तुम 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीत जाओगी और अहलावत का घर उन्हें वापस दिलवाना चाहोगी, इसीलिए पापा ने ये सब प्लान किया। दुर्गा, नेशनल रेस हारने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, और कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सब मेरे कर्मों की सजा थी। लेकिन अब और नहीं, तुम्हारे साथ इतना बुरा करने की सजा जो मुझे मिली, अब मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम ये रेस जीतो। इसलिए मैंने पापा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा और तन्वी ने मिलकर ये प्लान रचा, ये घटिया प्लान। क्या प्लान? कैसा प्लान? तुम्हें उल्टियां और चक्कर आना भी ये प्लान का हिस्सा था, जिसमें तन्वी और लक्ष्मी के साथ साथ वो रोहिणी भी साथ थी। याद करो दुर्गा, उस दिन जब तुम वॉशरूम में अपने टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रही थी, तब तुमने तन्वी और लक्ष्मी की आवाज सुनी थी। तुम समझता क्या अपने आप को तन्वी? ये एकेडमी तुम्हारे बाप का। स्टूपिड बाप नहीं, मामा की है। जब तू जैसी भिखारन को एडमिशन देके गलती किया उन्होंने। लड़ने की आवाज, और तुम बाहर भी आई थी। हमको भिखारी बोलता है? हाँ। तुम ज्यादा बोलती तन्वी। क्या हो गया? ऐसे लड़ क्यों रहे हो? बंद करो। अयो, अब ये दुर्गा तुम्हारा इतना सगा हो गया कि तुम मिस की बात इतना आसानी से मानता? आज ही हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ कहा वो सब सच है, ये आपके और आपके पापा की कोई चाल नहीं है। नहीं आंटी, इस बार मैं सच बोल रही हूं। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो ये लो यूपी टिकट और करवा लो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट।
चलो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, हाँ जल्दी से निकलते चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। एसपी जल्दी चलते जल्दी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।